फतेहपुर यूपी जिला संवाददाता रिजवान उद्दीन, ब्रेकिंग फतेहपुर। स्कूली छात्रा द्वारा निकाली गई यातायात जागरूकता रैली। रैली के माध्यम से लोगों को किया गया जागरूक। एसपी ने भी जनता से की अपील, यातायात का करे पालन। जिले के पुलिस अधिकारी रहे मौजूद। शहर स्थित पटेल नगर चौराहे का मामला। जनपद वासियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती है। और यातायात माह से यातायात के नियम का पालन हेतु नुक्कड़ नाटक रामा ग्रहरी इंटर कॉलेज की लड़कियाँ के द्वारा यहाँ प्रस्तुत कराया जा रहा है। और आप लोग से विनम्र निवेदन है कि आप लोग यातायात के नियम का पालन करें, हेलमेट का प्रयोग करें और सामने के सामने पीछे वाले भी हेलमेट लगाएं। जोरदार ताली बच्चियों द्वारा बहुत अच्छा प्रतिक्रिया दी गई। बहुत कम समय में पहला प्रेस्टी गुप्ता स्मिता खुशी शुक्ला प्रिंसी देवी पूजा शर्मा प्रिंसी ने बहुत अच्छी बाइक चलाई। सलोनी साहू ये सभी इसमें महिला थाना अध्यक्ष मैडम का, यातायात सीओ मैडम का बहुत अच्छा सहयोग रहा। चाइल्ड लाइन की तरफ से हम लोगों ने प्रयास करके एक नुक्कड़ नाटक के माध्यम से ये संदेश जी सर जी। आज फतेहपुर में पटेल चौराहे पे रामा अग्रहरी विद्यालय की बालिकाओं द्वारा यातायात के बारे में जागरूकता करने के लिए बड़ा ही अच्छा एक लोकल नाटक का प्रदर्शन किया। इसके सभी नियमों के बारे में जानकारी दी गई कि सवारी नहीं चलना है, बिना हेलमेट के नहीं चलना है, तेज स्पीड में नहीं चलना है और सिग्नल्स जो हैं उनका फॉलो करना है, अदरवाइज आपके साथ दुर्घटना भी हो जाएगी। दुर्घटना होनी भी है, जिस ऐसे एम्बुलेंस आती है ले जाती है, पब्लिक भी सहयोग करती है, सारे नियमों का जानकारी दिया। मैं रामा अग्रहरी विद्यालय के बच्चों को और उनके स्टाफ जो टीचर्स हैं उन सबको मैं आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और पुलिस के जो स्टाफ हैं, पुलिस की जो टीम है हमारी, उनके प्रयास कर रहे हैं, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं पब्लिक से, जनता से आह्वान करता हूँ, देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा यातायात सप्ताह चलाया जा रहा है, करना हो रहा है और इन नियमों को पालन करने की जागरूकता करना चाह रहा है। एक अच्छे भारतीय जागरूक नागरिक बनिए, आप नियमों का पालन करिए और लोगों से पालन करवाइए।
अपने इष्ट मित्रों, रिश्तेदार, नातेदार सबको बताइए कि जागरूकता अगर हटेगी, नियमों का पालन नहीं करेंगे तो दुर्घटना घटेगी और अपने जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। मैं पुनः अपील करता हूँ सभी लोगों से यातायात के नियमों का पालन